So what's up guys and welcome back to my channel with my new video. And guys, in this video, actually it's a vlog जो मैंने yesterday auto expo में बनाया था. And guys, मैं इस video को बाद में इसलिए shoot कर रहा हूँ because जो मैंने vlog बनाया था उसमें दो problem थी. पहली problem तो थी कि जो उसमें audio थी वो ज़्यादा अच्छी clear आ नहीं रही थी because जो मेरा camera है मैंने इसमें कोई external mic नहीं लगवाया. जो इसमें normal जो इसका camera का mic था उससे मैं audio record कर रहा था, उसमें आ नहीं पाया, इतना अच्छा लग नहीं रहा. एंड सेकेंडली जो सेकेंड प्रॉब्लम ये थी, वहाँ पे कई सारे पेविलियन में सॉन्ग्स चल रहे थे, इंग्लिश भी थे हिंदी भी थे, और तुम सबको मालूम है कि यूट्यूब पे पहले से ही बहुत सारी भसूड़ी फैली हुई है. अगर ये मैं डालता तो भाई मुझे और कोई भसूड़ी चाहिए नहीं. इसलिए मैंने सोचा घर जाके पूरे वीडियो को अच्छी तरह एडिट करूँगा, फिर बाद में मैं अलग से अपना वीडियो शूट करके तुम्हारे सामने उस वीडियो को लाऊँगा. मेन चीज थी तुम्हें गाड़ी दिखाना और मैं वो गाड़ी आज इस व्लॉग में दिखाऊंगा. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस, मैं इस व्लॉग के तीन या चार पार्ट बनाऊंगा. क्यों? बिकॉज जब मैंने व्लॉग कल बनाया था तो बहुत लंबा बन गया था, कई सारे मैंने वीडियो जो क्लिप्स है कई सारी मैंने बनाई थी. अब मैं उनको एक वीडियो में डालूंगा तो जो व्लॉग है जो वीडियो है वो काफी लंबी बन जाती, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता मुझे भी अच्छा नहीं लगता. इसलिए इसके दो या तीन पार्ट्स आएंगे. एंड गाइस, अगर तुम्हें ये एक्सपीरियंस हकीकत में लेना है वीडियो से निकल के तो जाओ ऑटो एक्सपो में टिल 14th of Feb, जाओ और सब चीज सारी जो पेविलियन है सब देखो, दे ऑल आर सो ऑसम. एंड जो सबसे ऑसम मेरे को लगा वो था किया का पेविलियन, मतलब किया इज कमिंग सून टू इंडिया. सो इसलिए उन्होंने अपनी सारी जो कार थी, सारे लग्जरी हैचबैक सेडान स्पोर्ट्स कार एवरी जो उसमें अपने पेविलियन में शोकेस की हुई, एंड द कार्स आर सो ऑसम, दिखाऊंगा वो भी व्लॉग्स में आएगी. बट टुडे इन टुडेज व्लॉग यू विल सी मर्सिडीज एंड टाटा. सो गाइज, बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, बिफोर आई स्टार्ट द शो, जस्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट. जस्ट प्रेस इट, डू इट, डिड इट, नाउ यू कैन एंजॉय दिस वीडियो. Voices in my head know me, call me, I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife, wanna be high life. I feel so reckless, calling them all night. This is the first pavilion I saw there, Mercedes Benz. And guys, सच बताऊं तो काफी गाड़ियां थी Mercedes की, एक concept भी था, SUV भी थी, convertible भी थी. But the car which I like most, वो कहते हैं ना love at the first sight, जो हो गया था उस कार से वो थी Mercedes AMG GTR. But जो लव था, जो अट्रैक्शन था वो ओनली वन साइडेड था. और आगे बढ़ा, दूसरा जो मैंने कार का ब्रांड देखा वो था टाटा का. टाटा ने भी अपने दो कॉन्सेप्ट रिलीज किए थे, एक था मिनी एसयूवी और दूसरा था हैचबैक, वो भी दिखाऊंगा, उसके बारे में ही बताऊंगा. पर उससे पहले इंजॉय करो, बाद में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि मुझे कैसे लगे वो कॉन्सेप्ट. सो एंजॉय दिस.
दिस इज द कॉन्सेप्ट, द टाटा H5X. जो कॉन्सेप्ट है पूरा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है. एवरी एजेस, एवरी कर्व जो स्लीक लुक इसको दिया गया है वो सो ऑसम. मतलब लाइट्स, फ्रंट लाइट से लेके जो इसकी रियर लाइट्स है वो सो ऑसम. फ्रंट में जो फॉग लाइट्स आप देख रहे हो रेंज ओवर से इंस्पिरेशन ली है, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम. टाटा ऑल्सो ऑन रेंज ओवर, तो उसकी डिजाइनर और इसके डिजाइनर जब एक साथ मिलते हैं तो ये होता है. इन्होंने एक तो ये मिनी एसयूवी निकाली है और साथ ही साथ निकाला ये हैचबैक, और हैचबैक में भी द लुक, द फ्रंट लुक इज सो ऑसम. अब जो टाटा है वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वी कैन ऑल्सो डिजाइन सम गुड कार्स. इनमें टाटा के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ जितनी गाड़ियाँ टाटा की पहले थी, टाटा इंडिका हो गई, इंडिगो हो गई, ये सारी उनका पास्ट है. ये है उनका फ्यूचर. दिस इज द टाटा इज फ्यूचर. Hatchback which I am talking about, just look at the design, those lights, those spoilers, and front top ne dekh liya hoga, side bhi aapne dekh liya. But guys wait a second, this is only a concept, but I hope ki Tata isme koi changes na kare, jaisi gaadi aaj thi sirf waisi ho. In dono concept ke baad I saw this Tata Demo. Tata ki sabse pehle sports car hogi, and soon यही स्पोर्ट्स का इंडिया की रोड पे आपको देखने को मिलेगी. दिस का इज फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड लैम्बोर्गिनीज, फरारीज, बिकॉज जो इसका प्राइस टैग है वो ओनली 25 लाख है. आई एम नॉट श्योर, इट्स एन एक्सपेक्टेड प्राइस जो मैंने वहां पे पूछा भी था, सो इट्स गुड. एंड अबाउट डिजाइन, द डिजाइन इज ओके. इस यूथ को और क्या चाहिए, यू ऑल आर गेटिंग ए कूपे विद लैम्बोर्गिनी डोर्स, और क्या चाहिए, सब तो तुम्हें इस गाड़ी में मिल गया. The design is so awesome. The thing which I like most is the front and the rear. Front में जो था, जो इसका portion था, उन्होंने पूरा जो portion है पूरा use किया है. The grills, the lights, पूरे अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ पे place की हुई है. They design their own car. They use the whole front. And बात करते हैं rear के बारे में. And the rear में you can see the lights, and उसपे जो wing है, वो सबसे अच्छा लगा. वो idea पूरा unique था. जो एरोडायनेमिक, जो विंग को काटने, जो विंड को काटने के लिए वो विंग लगाया गया है, तो वो जो विंग है वो एक यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स है. दैट थिंग इज सो ऑसम. मुझे वो भी अच्छा लगा. एंड गाइस, बाय द वे, इट्स एन इलेक्ट्रिक वर्जन. जो इसका पेट्रोल वर्जन है वो है ये.